So, very good morning. Morning, beta. We are going to continue our chapter, alternating current. और अल्टरनेटिंग करंट में हमने अब तक क्या-क्या देखा है, इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो इस चैप्टर में हमने देखा बेटे अब तक कि जब एसी अल्टरनेटिंग करंट हम डिफाइन करते हैं तो एसी को डिफाइन किया जाता है साइन वेव से। अगर करंट है तो करंट को आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इस सिंबल से हमने डिनोट किया था। और ये साइन में ये होता है पीक ईएमएफ, है ना, या पीक करंट। उसके बाद हमने देखा कि जब एसी हमने रेजिस्टेंस को लगा दिया, मानो कि आपके सर्किट में रेजिस्टेंस है और इसको अगर आपने एसी लगा दिया तो क्या होगा। तो इसमें हमने देखा कि अगर करंट हमने जो अप्लाई कर दिया वो आई नॉट साइन ओमेगा टी है तो आपका ईएमएफ भी ई नॉट साइन ओमेगा टी बन जाता है, जहां पर ई नॉट बाय आई नॉट बिकम्स द रेजिस्टेंस बाय ओम्स लॉ। यहाँ पर ओम्स लॉ अप्लाई होता है। तो इसका जो वेव फॉर्म था तो वेव फॉर्म हमने ड्रॉ कर दिया, याद है आपको। तो इस तरह से साइन वेव, एक साइन वेव के ऊपर दूसरा साइन वेव, है ना। तो एक का एम्पलीट्यूड कम है, दूसरे का एम्पलीट्यूड ज्यादा है। और वेव फॉर्म के बाद हमने इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ किया जिसमें दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, ई एंड आई बोथ आर हैविंग फेज डिफरेंस जीरो, दोनों में फेज डिफरेंस कितना, जीरो। उसके बाद एसी हमने अप्लाई कर दिया था, एसी अप्लाइड टू इंडक्टर, ये हमने देखा है कल परसों देखा हमने इसको, एसी अप्लाइड टू इंडक्टर। तो इंडक्टर में जब इंडक्टर क्या होता है, एक कॉइल होती है ऐसे स्प्रिंग के जैसा, क्यों भाई, इंडक्टर कॉइल। इसमें क्या होता है, इसमें सेल्फ इंडक्शन होता है ना, इसमें सेल्फ इंडक्शन होता है, जिसकी वजह से हमने कहा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, ये हो जाएगा एल डी आई बाय डी टी, एल डी आई बाय डी टी, इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर यूज किया। और मैंने कहा कि अगर आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाई कर देंगे तो आपको ई बनेगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये ध्यान रखना होगा। आई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। ये साइन वेव है, ये कॉस वेव है, इसलिए दोनों में फेज एंगल कितना, 90 डिग्री, है ना, पाई बाय टू फेज डिफरेंस, ठीक है, दोनों में फेज डिफरेंस 90 डिग्री। और हमने कहा था कि ईएमएफ लीड्स द करंट, ईएमएफ लीड्स द करंट बाय पाई बाय टू, ऐसा हमने कहा था, याद है आपको। इसमें हमने और एक चीज डिफाइन किया जिसका नाम था रिएक्टेंस, रिएक्टेंस इसको एक्स एल नाम दिया था हमने, एक्स सफिक्स एल, रिएक्टेंस इन इंडक्टर, तो इंडक्टर है इसीलिए एक्स एल। तो वो एक्स एल कितना बना था, वो बना था ई नॉट अपॉन आई नॉट, जो रेजिस्टेंस के जैसा है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है इसलिए रिएक्टेंस बोलते हैं इसकी को, रेजिस्टेंस के जैसा है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है, इसी को रिएक्टेंस कहते हैं हम, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या आया था, ओमेगा एल, इसका फॉर्मूला था, ध्यान रखना। जहां पर ओमेगा क्या है, ओमेगा होती है एंगुलर फ्रिक्वेंसी और एल क्या होता है, एल इज द इंडक्टेंस। तो ये हमने अब तक पढ़ा है, जिसका इंडक्टेंस इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी कहा जाता है। उसके बाद फिर हमने कैपेसिटर को देखा, तो ये जो कैपेसिटर है, दिस कैपेसिटर सी दिस इज योर एसी, इसमें हमने बोला कि अगर आप ईएमएफ जो अप्लाई करते हो वो अगर ई नॉट साइन ओमेगा टी है तब
तो हमने प्रूव कर दिया कि करंट जो आपको मिलता है वो मिलता है आई नॉट कॉस ओमेगा टी, राइट। और फिर हमने कहा कि यहां पर हम डिफाइन करते हैं एक चीज जिसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। दोनों में फिर से फेज डिफरेंस कितना, पाई बाय टू। यहां पर कौन लीड करता है, करंट लीड्स, यहां पर कौन लीड करेगा, करंट लीड्स ईएमएफ, ठीक है, करंट लीड्स ईएमएफ, ये हमने देखा था। चलिए और फेजर डायग्राम भी ड्रॉ किया, इसका वेव फॉर्म भी ड्रॉ किया, साइन कॉस का वेव फॉर्म, फेजर डायग्राम। यहां पर भी एक रिएक्टेंस हमने डिफाइन किया, इसका नाम था एक्स सी। ये जो रिएक्टेंस है इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहा जाता है। ये पहला रिएक्टेंस कौन सा था, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते थे। इसका नाम क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कौन सा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये सब हमने अब तक पढ़ा है, ये पूरा रिवीजन करा रहा हूं मैं, क्यों भाई, है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसका फॉर्मूला हमने कल देखा था, वन अपॉन ओमेगा सी। क्या आपके पास है फॉर्मूला, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वन अपॉन ओमेगा सी। तो इस तरह हम जब इसको अप्लाई कर देते हैं कैपेसिटर को, तो वन अपॉन ओमेगा सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस बन जाता है। तो इतनी सारी चीजें हमने अब तक इस चैप्टर में पढ़ी है, तो क्या अब हम यहां से आगे बढ़े, ओके। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आज, और आज हम पढ़ेंगे व्हेन एसी इज अप्लाइड टू सीरीज LCR सर्किट। अब ये सीरीज LCR सर्किट क्या होता है इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। AC is applied to सीरीज LCR सर्किट। LCR का मतलब होता है जिसमें एक इंडक्टर हो, एक कैपेसिटर हो और एक रेजिस्टर हो, ठीक है। LCR में L मतलब क्या, इंडक्टर, ठीक है, इंडक्टर प्लस कैपेसिटर, इसमें कैपेसिटर भी होना चाहिए और रेजिस्टर भी होना चाहिए, ऐसे सर्किट को हम कहते हैं LCR सर्किट। और ये सीरीज में है, तीनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में है। तो आइए ध्यान दीजिए, तो इस तरह का एक सर्किट हम ड्रॉ कर रहे हैं जो है आपका सीरीज LCR सर्किट, और इसमें ये तीन कंपोनेंट्स एक दूसरे को सीरीज में रहेंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, अब हम इसमें ड्रॉ करेंगे, ये हो गया आपका L, ये हो गया आपका C और ये हो गया R। ये है आपका L C R LCR सर्किट, ठीक है। तीनों के तीनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में हैं। और हमने लगवा दिया यहां पर एसी, ये है एसी। चलिए सब लोग ध्यान दीजिए, अब बड़े इंपॉर्टेंट एक सर्किट को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो LCR सर्किट में अब हम कंसिडर करेंगे कि भाई हमने इसको जो EMF अप्लाई कर दिया, वो रिजल्टेंट EMF है इसका E, इंस्टेंटेनियस EMF है E, और इंस्टेंटेनियस जो करंट फ्लो हो रहा है वो है मान लो I। तो इसमें इंस्टेंटेनियस करंट I, तो I तो सबके लिए सेम होगा ना, सीरीज में करंट तो सेम होता है। तो L में जितना करंट जाएगा उतना ही C में, उतना ही R में, क्यों भाई, क्लियर, ग्रेट।
लेकिन तीनों में जो ईएमएफ जो ड्रॉप होगा, जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो अलग अलग होगा। तो लेट से कि आपका जो इंडक्टर है, इंडक्टर में है ईएल, कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस है ईसी, और आपके रजिस्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है अगर ईआर, ऐसा अगर मान लिया जाए। तो सबसे पहला चीज जो यहां पर हम कह सकते हैं, तो उसको यहां पर लिख दूंगा मैं, कि ईएल जो होगा, तो ईएल इक्वल्स टू, मैं बोल सकता हूं इसका ई नॉट अपॉन आई नॉट क्या होता है, रिएक्टेंस, रिएक्टेंस के जैसा। तो क्या मैं बोल सकता हूं आई इंटू एक्स एल, कैसा बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि ई नॉट अपॉन आई नॉट क्या था, एक्स एल आया था, तो वही हमने इंडक्टर के लिए अप्लाई कर दिया। वी इक्वल्स टू आई आर वाला फॉर्मूला जो ओम्स लॉ जो अप्लाई कर देते, तो उसी के जैसा, रेजिस्टेंस नहीं है लेकिन रेजिस्टेंस के जैसा है, रेजिस्टेंस नहीं है लेकिन रेजिस्टेंस के जैसा है, इसीलिए इसको हमने ईएल इक्वल्स टू आई इंटू आर, आर की जगह पर एक्सएल बोल दिया। उसी तरह अब इसके लिए ईसी के लिए क्या बोल सकते हैं, ईसी के लिए बोल सकते हैं भाई साहब आई इंटू उसका जो रेजिस्टेंस है वो है एक्स सी रिएक्टेंस, ठीक है, आई इंटू एक्स सी ऐसा बोल सकते हैं। और रेजिस्टेंस में क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस में ओम्स लॉ लगेगा सीधा सीधा आई इंटू आर। तो ये बात सबके समझ में आ गई। हमने क्या किया, हमने पहले लिखा ये आपका ई एल किसके बराबर बनेगा, आई इंटू एक्स एल के बराबर, ई सी किसके बराबर बनेगा, आई इंटू एक्स सी, और ई आर किसके बराबर बनेगा, आई इंटू आर के बराबर। यहां तक सबको क्लियर हो गया, इज इट क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर देखा जाए तो अपने इस पर्टिकुलर टोटल सर्किट में, जो पूरा सर्किट है एलसीआर सर्किट, उसका जो टोटल ईएमएफ है वो है ई, लेकिन ये ई डायरेक्टली एडिशन नहीं होगा, ई एल ई सी ई आर का डायरेक्ट एडिशन नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, तो फिर इसको सबसे पहले जानना पड़ेगा हमें फेजर डायग्राम से। तो देखिए सबसे पहले इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं हम, तो ये फेजर डायग्राम पहले ड्रॉ करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। इस फेजर डायग्राम में अगर हम बात करें कि तीनों का करंट तो सेम ही है, करंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? तो तीनों का जो करंट है तो इसको तो हम सेम ही मान लेंगे, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर करंट के लिए मैं एक पर्टिकुलर ये लाइन ड्रॉ करता हूं जो करंट को दिखाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर। तो तीनों का करंट सेम है, ये है ब्लैक से जो मैंने दिखाया वो है आपका करंट आई, ठीक है, ये क्या है, करंट आई है। अब हमने पहले देखा था कि जब ये करंट फ्लो होगा इंडक्टर में से, इस इंडक्टर में से जब ये करंट फ्लो होगा तो इंडक्टर में कौन लीड करता है, ईएमएफ लीड करता है, तो ईएमएफ किधर होगा, तो ईएमएफ आपका होगा आगे की तरफ। तो मुझे यहां पर इसको ड्रॉ करना पड़ेगा ऊपर की दिशा में, ये हो जाएगा आपका ईएमएफ, ठीक है? तो देखो मैंने ड्रॉ कर लिया, दिस इज ईएमएफ
इन इंडक्टर EL जो 90 डिग्री से हमेशा आगे रहेगा। लेकिन कैपेसिटर में जो EMF होता है वो लैग करता है, तो उसको नीचे ड्रॉ कर देंगे। चलो तो चलो यार, ये यहां से नीचे आ जाएगा आपका इंडक्टर मतलब कैपेसिटर वाला EMF, जो नीचे की तरफ होगा ऐसे, जो लैग करेगा 90 डिग्री से, तो इसको नाम दे देंगे हम EC। और ER कहाँ होना चाहिए? ER इज इन फेज। रेजिस्टेंस में जो EMF होता है वो फेज में होता है, तो I की दिशा में ही होना चाहिए, तो उसको I की दिशा में ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा आपका EMF इन रेजिस्टेंस, जो मैंने करंट की दिशा में ही इसको ड्रॉ कर लिया। क्या यहां तक आपको समझ में आया? और इसको नाम दे देंगे ER। क्लियर? अब सब लोग ध्यान दें। अब इस फेजर डायग्राम को वेक्टर्स मानकर, क्योंकि फेजर को हम वेक्टर का ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो इन फेजर्स को अगर हम कंसिडर कर लें और इनको वेक्टर से अगर सॉल्व कर लें, तो इनका रिजल्टेंट EL, EC, ER, इन तीनों का जो भी रिजल्टेंट रहेगा, दैट रिजल्टेंट विल बी द नेट EMF, द नेट EMF। ठीक है? तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो पहले EL में से EC को हटा देंगे, है ना? पहले EL में से EC को हटा देंगे। तो अब ये मेरा डायग्राम कैसे बनेगा? तो यहां पर इसको फिर से ड्रॉ कर रहा हूं मैं। तो सब लोग इसको ध्यान से देखिए, और अब यही डायग्राम कैसे बनेगा देखिए। तो सबसे पहले यहां पर EL-EC ऊपर की तरफ बनेगा। EL में से EC को हटा दो, अगर EL बड़ा है EC में से तो ऊपर की तरफ आएगा, है ना? कंसिडरिंग दैट EL इज ग्रेटर देन EC, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर आएगा और इसका नाम होगा EL-EC, ऐसा इसका नाम होगा। और आपका जो ER है वो तो इसी दिशा में है, तो ये कौन होगा आपका ER, वो इसी दिशा में है। ठीक है? तो ये जो है इसका नाम है EL-EC, EL-EC इसका नाम होगा। और ये जो है वो ER एज इट इज है यहां पर ER। और इन दोनों का रिजल्टेंट अब लेना है। इन दोनों का रिजल्टेंट लेने के लिए क्या करूंगा मैं, तो यहां से इसको कंसिडर कर रहा हूं, ये एक, और यहां से एक लाइन पैलोग्राम लॉ से दोनों का रिजल्टेंट बनेगा यहां पर, दोनों का रिजल्टेंट बनेगा ये, और जिसका नाम होगा रिजल्टेंट EMF। ठीक है? तो ये रिजल्टेंट EMF बनेगा आपका E। क्या है, समझ में आया? ठीक है? तो हमने क्या किया, फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लिए, सबके फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लिए, EL का, EC का, ER का। तो फेजर पे हमने दिखाया ये करंट है, ये ER, ये EL, ये EC। ठीक है, यहां पर करंट दिखाना हम भूल गए, यहां पर करंट भी दिखाना चाहिए। तो यहां पर ये करंट भी होगा I, रिजल्टेंट I। ठीक है, तीनों के लिए सेम ही होगा ना करंट, इसलिए हमने करंट के रिस्पेक्ट में उसको कंसिडर कर लिया था। तो ये रिजल्टेंट EMF और ये रिजल्टेंट करंट, दोनों में जो फेज एंगल है, रिजल्टेंट EMF और रिजल्टेंट करंट में जो फेज एंगल है वो होगा फाई। ठीक है? और ये ऐसा केस कब होगा, व्हेन EL इज ग्रेटर देन EC, EL इज ग्रेटर देन EC, ऐसा होगा तभी ये पॉसिबल है। क्लियर? तो यहां तक समझ में आया सबके? हमने क्या किया, LCR सर्किट हमने कंसिडर कर लिया। LCR सर्किट में बेटे तीन चीजें आएगी, है ना? क्वेश्चन
कौन सी? एल सी आर, इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर, और इसका ईएमएफ ईएल, इसका ईएमएफ ईसी, इसका ईएमएफ ईआर, और रिजल्टेंट ईएमएफ जो है वो है ई, और रिजल्टेंट करंट कितना है? आई है। तो ईएल को लिखा आई इंटू एक्सएल, ईसी को लिखा आई इंटू एक्सी, ईआर को लिखा आई इंटू आर, ठीक है। उसके बाद इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ कर दिया हमने। तो इसका फेजर डायग्राम जो होगा वो इस तरह से होगा, है ना। इंडक्टर में लीड करता है, कैपेसिटर में लैग करता है ईएमएफ, ठीक है। इंडक्टर में ईएमएफ लीड करता है, कैपेसिटर में ईएमएफ लैग करता है, और फिर तीनों ईएमएफ को जो फेजर है उनको वेक्टर की ट्रीटमेंट आप दे सकते हो। तो उनको वेक्टर से हमने ईएल माइनस ईसी करा दिया, और इधर ई आर था, इसके साथ रिजल्टेंट ले लिया, तो ये बना ई, जो नेट आपका ई एम एफ रहेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर नेट ई एम एफ कितना आएगा ये लिख सकते हैं क्या हम? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो बोलिए पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोलेंगे, एनीबडी? अब ये तो बड़ा आसान है, क्यों भाई? यस, सो वी विल राइट दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये ई स्क्वायर इक्वल्स टू ई एल माइनस ई सी का होल स्क्वायर प्लस ई आर का स्क्वायर। तो इससे बना मेरा रिजल्टेंट ई का फॉर्मूला, क्या बना? अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट ई एल माइनस ई सी का होल स्क्वायर प्लस ई आर का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द रिजल्टेंट ई एम एफ। ये जो फॉर्मूला है ये रिजल्टेंट ईएमएफ इन एलसीआर सर्किट को ढूंढने का फॉर्मूला बन गया, ईएल माइनस ईसी। लेकिन ये फॉर्मूले में हमें ये कंसिडर करना है कि ईएल इज ग्रेटर देन ईसी। अगर ईसी बड़ा हो गया तो कोई बात नहीं, ईसी बड़ा अगर हो गया तो आपका ये जो ऊपर आया है, ये वाला एरो जो ऊपर आया है वही एरो नीचे चला जाएगा, बस इतना ही फर्क होगा। जो एरो ऊपर आया है वही एरो नीचे चला जाएगा, दैट्स ऑल, इतना ही फर्क होगा बस। क्लियर? इस तरह। वेरी गुड। अब हमने पहले ही इनके वैल्यूज को पहले लिख दिया था हमने, ई एल ई सी ई आर के। तो क्या इनके वैल्यूज को लिख दें हम? तो चलो, सो लेट अस पुट द वैल्यूज। ओके, अब हम वैल्यूज पुट अप करने जा रहे हैं, कौन से हैं? तो सबसे पहले ई एल को हमने लिखा है, तो ई एल को हमने लिखा है आई इंटू एक्सएल। ई सी को क्या लिखा है हमने? आई इंटू एक्स सी, और ई आर को हमने लिखा है आई इंटू आर। तो इन तीन वैल्यूज को हम पुटअप कर रहे हैं, तो देखिए ध्यान दीजिए। तो ई क्या बनेगा? ई बनेगा अंडर रूट ऑफ ई एल माइनस ई सी, मतलब आई इंटू एक्सएल माइनस आई इंटू एक्स सी होल स्क्वायर प्लस आई इंटू आर होल स्क्वायर। इसमें से आई कॉमन आएगा, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर बाहर आके आई बनेगा। तो आई अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ई के बराबर। तो ये ई अपॉन आई
इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये जो टर्म यहां पर बना, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल करंट, ये तो रेजिस्टेंस के जैसा होता है, लेकिन ये तीनों का मिलाकर रिएक्टेंस, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस तीनों का मिलाकर है, इसलिए ये जो अपोजिंग फैक्टर है, दिस फैक्टर ई अपॉन आई इज अपोजिशन ऑफर्ड बाय एल सी आर सर्किट। इस एल सी आर सर्किट ने जो अपोजिशन दिया है वो ई अपॉन आई से डिनोट कर रहे हैं, और इसीलिए इसको नाम दिया जाता है, इट इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज इम्पेडेंस। इसका नाम क्या है? इम्पेडेंस। और इसको जेड इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, ठीक है? इम्पेडेंस को जेड इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं। तो जेड क्या बन गया आपका? सो योर जेड is nothing but impedance Z becomes equals to under root of XL minus XC whole square plus R square। इसको कहा जाता है impedance, इसको impedance इस नाम से हम जानते हैं, जो अपोजिशन है LCR सर्किट में रिएक्टेंस के जैसा है, ठीक है बेटे? तो ये सबको क्लियर हो गया? ऑलराइट। तो इस तरह हमने इतने सारे ये फेजर डायग्राम्स को यहां पर बनाया, और फेजर डायग्राम्स बनाकर हमने इससे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, ये ट्रायंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को अब हम हमेशा याद रखेंगे, ठीक है? ये ट्रायंगल हमारे बड़े काम में आने वाला है। तो फाइ हमने फेज डिफरेंस को माना, फाइ इज द फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई, तो टेन फाइ लेंगे अपोजिट ई एल माइनस ई सी अपॉन ई आर, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ई एल माइनस ई सी अपॉन आर। कहां से? इस ट्रैंगल से। ये वाला ट्रैंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये साइड क्या होगा? ई एल माइनस ई सी होगा ना, क्यों भाई? और उनको अपने ओरिजिनल फॉर्म में आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी अपॉन आई आर लिखो, आई कैंसिल हो जाएगा तो एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, तो फाइ इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, ऐसे ये बनेगा। यहां तक सबको क्लियर हो गया? आगे जाकर हम जब पावर ढूंढेंगे बेटे, आगे जाके हम इसका पावर ढूंढने वाले हैं, तब इस ट्रायंगल को याद रखना, इस ट्रायंगल को आप बड़ा अच्छे से याद रखो, ये ट्रायंगल बड़ा काम में आएगा हमें आगे जाकर, ठीक है? तो इसलिए इस ट्रायंगल को याद रखो, जिसका एक साइड होगा ई आर, एक साइड होगा ई एल माइनस ई सी, और हाइपोटेनस होगा इसका ई, ठीक है? तो यहां से इसको आप आराम से ढूंढ सकते हो। तो यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है सबको? तो सो आई टोल्ड यू अबाउट अल्टरनेटिंग करंट में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? एसी का रिप्रेजेंटेशन, व्हेन एसी इज अप्लाइड टू रेजिस्टर तो क्या होता है, व्हेन एसी इज अप्लाइड टू इंडक्टर तो क्या होता है, व्हेन एसी इज अप्लाइड टू द
कैपेसिटर तब क्या होता है, और फिर आज हमने पढ़ा एसी अप्लाइड टू सीरीज एलसीआर सर्किट। ये सीरीज एलसीआर सर्किट बड़ा इंपॉर्टेंट सर्किट है, ठीक है, इसलिए मैंने पूरा अच्छे से इसको टाइम देकर आपको समझाया, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको पढ़ा। कल इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी लेंगे हम, इसके आगे भी पढ़ेंगे, इसका रेजोनेंस भी पढ़ेंगे, और पैरेलल एलसीआर सर्किट भी होता है, ठीक है। तो ये सीरीज में हुआ, अब इनको जब पैरेलल में लगा देंगे तो कैसे होगा, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो टुडे वी शैल स्टॉप हियर, और कल इसी के ऊपर फिर से चर्चा होगा, तो आज हम यहीं रुक जाएंगे। और आपको कोई भी दिक्कत है, कोई डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछिए।